नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, 5 चरण होने बाकी हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर सभी राजनीतिक दलों के बीच में चल रहा है। लेकिन इसके बीच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर भी राजनीति शुरू हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरनकोट नामक स्थान पर इंडियन एयरफोर्स के एक कॉन्वॉय पर आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें एक वायुसेना के जवान की मौत हो गई और 4 वायुसेना कर्मी घायल हो गए। इसे लेकर विपक्ष के 2 नेताओं की तरफ से ऐसा बयान आया जिसको जिसकी की कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, जिसकी की बड़ी तीखी आलोचना हो रही है। पहला बयान दिया चरणजीत सिंह चन्नी ने। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के नेता हैं, पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये सिर्फ इस घटना के संदर्भ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जालंधर में ये कहा कि ये स्टंट है, आतंकवादी हमला नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बीजेपी लोगों की जान से खेल रही है। और उन्होंने कहा कि पुलवामा में भी जो 2019 में हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो वो भी कुछ इसी प्रकार का उन्होंने संदर्भ दिया कि जिससे ये लगा कि वो इसे एक चुनावी स्टंट के तौर पर ही जो है वो मान रहे थे या ये बता रहे थे कि ये भी एक तरीके का चुनावी स्टंट था। और जब भी चुनाव आते हैं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दूसरा बयान दिया राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के छोटे भाई हैं, लालू यादव के बेटे हैं। और इससे पूर्व जब गठबंधन सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल की, तो उसमें मंत्री भी रह चुके हैं और हसनपुर बिहार से वो विधायक हैं। उनका ये कहना था कि मोदी जी चुनाव के समय हथकंडे अपनाते हैं, जवान जो शहीद हुआ वो मोदी जी की वजह से शहीद हुआ, इससे पहले इतने जवान कहाँ शहीद होते थे। इन दोनों बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़, उन्होंने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो इस प्रकार से पहले भी बालाकोट और अन्य जो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक थी और जो बालाकोट में पाकिस्तान बालाकोट नाम की जगह है जहां पर कि पुलवामा की घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद का कैंप तबाह किया था, तो उस पर उन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे। और ये बात सच भी है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खासकर इस पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इससे अपनी दूरी बनाने का प्रयास किया था, पर ये मुद्दा पहले भी जो बालाकोट का मुद्दा है, जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा है, इस पर पहले भी विपक्ष की ओर से जो केंद्र सरकार है, जो भारतीय सेना है, जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उसे लेकर इस प्रकार की बयानबाजी की गई है। और यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण मांगे गए कि आपने एयर स्ट्राइक किया था कि नहीं किया था, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि नहीं किया था। तो इस प्रकार के जो प्रत्यक्ष प्रमाण मांगे गए, तो इसको लेकर काफी राजनीति पहले भी हुई है और एक बार फिर से ये राजनीति मुद्दा बन गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं थोड़ा सा आपको जो है वो पास्ट में लेकर चलता हूँ। और जो सबसे ज्यादा राजनीति जो इस पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति की शुरुआत हुई, तो ये वैसे तो कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, जब उन्होंने राफेल डील का मुद्दा उठाया तो तब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राफेल के अंदर दलाली खाई गई है। उसके बाद जो है जब उरी में जो है वो एक घटना हुई थी 18 सितंबर 2016 को, जिसमें कि 4 आतंकवादियों ने आर्मी के जो भारतीय थलसेना उसके 12th ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसमें 18 जो सेना के अधिकारी या सेना के जो लोग हैं, सेना के जवान हैं, वो मारे गए थे। और उसके बाद 28-29 सितंबर की रात को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके सीमा पार पर लगभग 6 या 7 लॉन्च पैड जो टेररिस्ट के थे उनको भारतीय सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय किया था। और तब से 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया जाता है। उस समय भी कांग्रेस ने ये कहने का प्रयास किया था कि नहीं, हमने भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में के अंतर्गत किए गए थे, ये इससे एक पूरा का पूरा जो पाकिस्तान से जो आतंकवाद हमारे यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उसे लेकर भारत की पोजीशन जो है पूरी की पूरी एक, जिसे आप कह सकते हैं कि
चेंज हो गई। इससे पहले भारत हमेशा सुरक्षात्मक रुख अपना कर रखता था, लेकिन उस घटना के बाद से एक प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था भारत के रुख में। और पूरी दुनिया ने जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि अगर आप भारत में आतंकवादी हमला करेंगे तो आप भारतीय सेना या भारतीय जो प्रशासन है, जो भारत की सरकार है, वो उस तरीके से चुप करके नहीं बैठेगी। इसके बाद एक और घटना हुई पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में, 2019 में। सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय जा रहा था, काफिला जा रहा था, जिस पर कि एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया और इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने फिर से सीमा पार करके और बालाकोट नामक एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर एयर स्ट्राइक किए। जैश मोहम्मद का एक कैंप पूरा का पूरा, जो वहां जैश मोहम्मद की पूरी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी, जैश मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है और जैश, ऐसा माना जा रहा था कि जो पुलवामा में हमला हुआ वो जैश मोहम्मद ने ही करवाया था, तो जैश मोहम्मद के पूरे कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया वहां पर। और तब से उसके बाद, चूंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और ये घटना हुई, और ऐसा माना जाता है कि बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक हुए उससे एक पूरे देश में आप कह सकते हैं कि एक देशभक्ति की लहर और एक लोगों में अपनी सरकार के प्रति एक विश्वास, ये भाव लोगों में थोड़ा जगा। और बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि जो बालाकोट के जो एयर स्ट्राइक थे, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी सफलता थी उसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी एक प्रमुख योगदान था। लेकिन ये भी बात सही है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किए गए थे वो राजनीतिक लाभ या हानि की दृष्टि को रखते हुए नहीं गए थे, किए गए थे, वो एक स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को संदेश था, पूरी दुनिया के आतंकवादी संगठनों को संदेश था कि भारत पर अगर आप हमला करेंगे तो भारत इस पर चुप नहीं बैठेगा। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई उसको लेकर भी विपक्ष के नेताओं के ऐसे बयान आए और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, उरी के की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके, उसको लेकर भी लगभग ऐसे ही बयान आए थे। आप चाहें तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये सारे बयान मिल जाएंगे। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से प्रश्न उठाते उठाए गए हैं, भारतीय सेना के बलिदानों पर जिस प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इससे पहले इस प्रकार की राजनीति नहीं होती थी। आतंकवादी घटनाओं पर भी इस प्रकार की राजनीति पहले नहीं होती थी। तो विपक्ष जो ये राजनीति कर रहा है, इसका खामियाजा ऐसा लगता है कि विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये भी लगता है कि विपक्ष में हताशा इतनी ज्यादा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो एक ऐसी लक्ष्मण रेखा को बार बार पार करने कर रहे हैं जिस लक्ष्मण रेखा को इससे पहले भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी पार नहीं किया गया था। ये जो भारतीय जो आतंकवादी घटनाओं पर भी राजनीति करने की जो परंपरा, जो एक खराब परंपरा स्थापित हो रही है, ये 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए सरकार के आने के बाद ही हुई है शुरू। और ये विपक्ष की तरफ से जो इस प्रकार की राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और अभी फिलहाल जितनी तीखी प्रतिक्रिया हुई है तो उसका एक तो हमने रिएक्शन देख लिया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है उन्होंने अपना बयान विड्रॉ किया एक तरीके से और स्पष्टीकरण दिया कि ये मैंने ऐसा नहीं कहा है और मैं मेरी बात को जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है, और मेरा तो कहने का मतलब ये था कि इस घटना पर कोई भी राजनीति क्यों की जा रही है। पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं। आरजेडी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस उसी इंडी गठबंधन को एक प्रकार से लीड कर रही है या उसका हिस्सा है। तो जो राजनीति है या जो राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है वो तो विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि विपक्ष पूरी तरह से हताश हो चुका है और अब किसी भी मुद्दे पर राजनीति करने के लिए विवश है? क्या ये इस बात का भी संकेत है कि बाकी बचे 5 चरणों से पहले ही विपक्ष ने एक प्रकार से पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और हार मान ली है?
और इसी हताशा के कारण पे इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे। तो इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीति करना भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए भी ठीक नहीं है, भारतीय हमारे यहाँ सामरिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो चुनावी राजनीति के चलते कम से कम इस प्रकार की बयानबाजी से बचें, क्योंकि इस प्रकार की बयानबाजी करने से थोड़ा समाज में भी जो है वो माहौल खराब होता है, और थोड़ा ये भी है कि जो हमारी सेना है उसके मनोबल पर भी एक प्रकार से जो है वो प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार के आतंकवादी घटनाओं को विशुद्ध रूप से आतंकवाद की नजर से देखना चाहिए, और कम से कम कुछ मुद्दों के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और जो भी सरकार है जो कड़े कदम उठा रही है, और हम जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत ही कड़ी नीति इस विषय में अपनाई है, और देश में हम देख चुके हैं कि पहले बड़ी संख्या में आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकवादी घटनाओं के अलावा इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं पर पूरी तरह से विराम लग गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि सीमा पार पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे आतंकवादी मारे जा चुके हैं जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो इस प्रकार से एक संदेश इस मौजूदा सरकार ने दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये संदेश पूरी दुनिया में गया है, देश की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी किसी भी जैसी घटना जम्मू कश्मीर में हुई, ऐसी किसी भी घटना पर राजनीति करने से बचना चाहिए, और बेहतर यह होगा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों को छोड़कर कोई जो और ठोस मुद्दे हैं उन पर राजनीति करे। और आज के एपिसोड में इतना ही, हम आपको जल्दी नए अपडेट के साथ मिलेंगे, नए विषय के साथ मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।